रहस्य योग में सबसे आवश्यक बात यह है कि इसमें अग्रसर होने के लिए, बढ़ने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान बहुत जरूरी है। आप और चाहे कुछ भी न करें, लेकिन अगर आप ध्यान में स्थित रहें तो सहयोग में प्रगति हो सकती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एक ये नया रास्ता है, नया आयाम है, डायमेंशन है, नई चीज है जिसमें आप कूद पड़े हैं। आपके अचेतन मन में उस महान सागर में आप उतर गए हैं। बात तो सही है, लेकिन इसकी गहराई में अगर उतरना है तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। मैं बहुत से लोगों से ऐसा भी सुनती हूँ कि माता जी ध्यान के लिए हमको टाइम नहीं मिलता है। आज का जो आधुनिक मानव है, मॉडर्न मैन है, उसके पास घड़ी रहती है हर समय टाइम बचाने के लिए, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि वो टाइम किस चीज के लिए बचा रहा है। उसने घड़ी बनाई है, वो सहज योग के लिए बनाई है, ये वो जानता नहीं। एक साहब मुझसे कहने लगे कि मुझे लंदन जाना बहुत जरूरी और इसी प्लेन से जाना और किसी तरह से मेरा टिकट बुक होना ही चाहिए और कुछ कर दीजिए आप, और वो एयर इंडिया वाले से कह दीजिए और कुछ कर दीजिए। मैंने कहा ऐसी कौन सी आफत है, आप लंदन क्यों जाना चाहते हैं, ऐसी कौन सी आफत है, क्या विशेष कार्य आप वहां करने वाले हैं, कौन सी चीज है। कहले आई मस्ट गो देयर, आई हैव टू सेव टाइम, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा आखिर बात क्या है, ये टाइम बचा के वहां भागे भागे आप क्यों जा रहे हैं। तो कहने लगे कि वहां एक स्पेशल डिनर है, वो मुझे अटेंड करना है और उसके बाद वहां पे बॉल रूम। टाइम आप बचा के किए रहे हैं, हर समय आप ये सोच लीजिए कि जो हाथ में घड़ी बंधी है ये सहज योग के लिए और ध्यान के लिए, और सहज योग के ही कार्य के लिए बंधी हुई है, मैंने उसी लिए बांध ली है, नहीं तो मैं कभी भी घड़ी नहीं बांध। जिस आदमी का पूरा ही समय सहयोग में बीतता है, उसको जरूरी नहीं कि आप घर का काम न करें, वो जरूरी नहीं कि आप दफ्तर का काम न करें, सारा ही कार्य आप करें पर ध्यान में करें। ध्यान अवस्थित होकर के कार्य हो सकता है क्योंकि आपको ध्यान में उतार दिया है। हर एक काम करने वक्त आप निर्विचार हो सकते हैं और निर्विचार होते ही उस काम की सुंदरता, उसका संपूर्ण ज्ञान और उसका सारा आनंद आपको मिलने लग जाता है। समझने की बात है, ये लोग समझते नहीं, इसलिए ध्यान के लिए अलग से टाइम नहीं मिलता है आदि झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन जब इसका मजा आने लगता है तब आपको आश्चर्य होगा कि नींद बहुत कम हो जाती है और आप ध्यान में चले जाते हैं। निद्रा में भी आप सोचेंगे कि आप ध्यान में जा रहे हैं। कोई भी चीज छोड़ने की या कम करने की नहीं, लेकिन हमारी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसे हम महत्वपूर्ण समझते हैं वो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं रह जाती, और जिसको हम बिल्कुल ही विशेष समझते नहीं है वो हमारे लिए बहुत कुछ हो जाता है। ध्यान करने के लिए एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी चाहिए कि जिस चीज पे ध्यान का आलाप छेड़ा जाएगा, जिस वीणा पे ये सुंदर गीत बजने वाला है, वो साफ होनी चाहिए। आप वो वीणा नहीं है, आप वो आलाप भी नहीं, लेकिन आप उसके सुनने वाले हैं और उसको बजाने वाले हैं, आप उसके मालिक हैं। इसलिए अगर वो वीणा कुछ बेसुरी है, उसके अगर तार रंग खा जाए या उसके कुछ तार टूट जाए तो आपको जरूरी है कि उसे ठीक कर लेना चाहिए। अगर वो ठीक नहीं है तो आपके जीवन में माधुर्य नहीं है, आप में वो सुंदरता नहीं आ सकती
आप एक अजीब तरह का चिड़चिड़ापन, अजीब तरह की विक्षता राय और विचलितता दृष्टिगत होगी। एक सहयोगी को एकदम निश्चित मति से ध्यान में बैठना देखना बहुत बड़ी चीज हो जाती है मेरे लिए, और वही मैं देखती हूँ कि कुछ सहयोगी गहराई से अंदर चले जा रहे हैं और कुछ सहयोगी बहुत विचलित। यह नहीं मैं कहती कि सभी लोग उतनी दशा में पहुंच सकते हैं या नहीं, लेकिन जो कुछ भी बन पड़े वो इस जीवन में करना ही चाहिए। उपार्जन का जितना भी समय है वो इसी में बिताना चाहिए, और जो कुछ भी मिल सके सब इसी में मिलना चाहिए, बाकी कुछ हो या नहीं हो। अधिकतर लोगों को मैं ये देखती हूँ इधर उधर की पचासों बातें करेंगे, लेकिन ध्यान की बात, अपने मन शुद्धि की बात, अपने अंदर के आनंद को उभारने की बात कितने लोग आप लोगों में से करते हैं। इसने ये कहा, उसने वो कहा, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं करना चाहता, वैसा नहीं करना चाहता, ठीक है, सहयोगी कुछ नहीं होगा। जब आपके पास निर्विचार की इतनी बड़ी संपत्ति है तो क्या उसको पूरी तरह से उभार देना चाहिए या नहीं? ये तो आप जानते हैं कि क्षण क्षण आप उसे पा रहे और हर क्षण उसे आप खो भी रहे। यह हर एक क्षण कितना महत्वपूर्ण है इसे आप देखिए। कौन सी छोड़ने की बात, कौन सी पकड़ने की बात मैंने आपसे आज तक तो की नहीं होगी कोई भी ऐसी, लेकिन ये आपका भ्रम है, आपका मन आपको भ्रम में डाले दे रहा है। तो क्या तुम घर गृहस्थी छोड़ दोगी? मैंने घर गृहस्थी छोड़ी जो आपसे मैं घर गृहस्थी छोड़ने कहती हूँ? आप जानते हैं कि आपसे कहीं अधिक बार मेहनत करती हूँ, लेकिन मैं थकती नहीं हूँ क्योंकि मेरा आनंद का स्रोत आप लोग हैं। जब आपको देख लेती हूँ बस खुश हो जाती हूँ, तभी सारी बाग बाग हो जाती। जिस चीज का महत्व है उधर दृष्टि रखिए। आपको पूरी तरह से इसमें, मैं ये नहीं कहती कि 2400 घंटे इसमें आप यही बैठे रहिए, जहां भी बैठे हैं वहां बैठे रहिए, ये मतलब है मेरा। जहां भी जमे हैं वहां जमे रहिए, अपने स्थान पर, अपने सिंहासन पर। कुछ लोग इसीलिए प्रगति करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। शारीरिक बीमारियां आप लोगों की बहुतों की ठीक हो गई, बहुतों के पास बीमारियां नहीं है, लेकिन अभी भी मानसिक प्रश्न है। सब बातें भूल जाइए, हर इंसान इसका पाने का अधिकारी है। आपका जन्म सिद्ध हक है क्योंकि ये सहज है, आप ही के साथ पैदा हुआ, लेकिन ध्यान करना ही होगा और वो भी समझती है, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करने की आप लोग इतनी चिंता न करें, उसकी व्यवस्था करने की आप इतनी चिंता नहीं करें। वो कार्य हो रहा है, वो हो भी जाएगा, क्या हर्ज है कि 10 आदमी ज्यादा आए चाहे 10 आदमी कम। 1000 बेकार के लोग रखने से 10 ही कायदे के आदमी हो, सो ही सहयोग के लिए विशेष आप उनमें से बनिए जो 10 अच्छे आदमी हैं, जो ऐसे लोग हैं जो सहयोग का कार्य अत्यंत प्रेम से करते हैं और उसमें मजा उठा रहे हैं, उसमें बह रहे हैं, उसमें अग्रसर हैं और एक अग्रिम श्रेणी में जा करके खड़े हो जाए। जैसे कि हिमालय संसार में सबसे ऊंचा है, उसकी ओर सबकी दृष्टि रहती है, ऐसे ही आप आँख ही में आँख हिमालय बन सकते हैं और आप देख सकते हैं कि दुनिया आपकी ओर आँख उठा करके है कि बनू तो मैं इस आदमी जैसा करो जो सहयोग में इतना ऊंचा हो। यह अंदर का उतना होता है, बाहर का नहीं, और मैं सबके बारे में जानती हूँ कौन कहाँ तक पहुँच रहा है। आप ही अपनी रुकावट है और कोई आपकी रुकावट नहीं कर सकता, कोई भी दुनिया का आदमी आपसे मंत्र तंत्र आदि कोई चीज नहीं कर। आप ही अपने साथ घर खड़ाई न करें और पहचाने रहे कि कौन आदमी कैसी बातें करता है, आप खुद ही समझ लेंगे कि इस आदमी में कोई ना कोई दुष्टता आ गई है, तभी वो ऐसी बातें कर रहा है, नहीं तो ऐसी बात ही ना करता वो, जैसी गलत बात ये कर रहा है, इसके अंदर कोई ना कोई खराबी है, उसको साथ देने की कोई जरूरत। फिर चाहे वो आपका पति ही हो, चाहे आपकी वो पत्नी,
उसे लड़ाई झगड़ा करने की उलझने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप ही ठीक हो जाए। इतना ही नहीं, आप ये भी जानते हैं कि आप में अगर कोई खराबी आ जाए तो आप किस तरह से उसे हाथ चला करके भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ के अंदर से ही वो चीजें बने। असल में आपके उंगलियों में ही ये सब जो भी देवताएं मैंने बताई हैं, ये जागरूक हैं इन पांचों उंगलियों में और इस हथेली में, सारी देवताएं यहाँ जागरूक। लेकिन बहुत जरूरी है कि इन जागरूक देवताओं का कहीं भी अपमान नहीं होना चाहिए, इनको बहुत ही संभाल के और जतन से रखना चाहिए, इनकी पूजा होनी चाहिए। अपने हाथ ऐसे होने चाहिए कि पूजनीय हो। लोग ये सोचे कि ये हाथ है कि गंगा की धारा, गंगा ही की धारा बनी, जिस वजह से गंगा पावन हुई वही वाइब्रेशन आपके अंदर से बहे, जिस चैतन्य शक्ति से सारी सृष्टि चल रही है वही आपके अंदर से बहे, ये आप जानते हो। फिर जिन हाथों से जिन पांव से ये चीज बह रही है उसको अत्यंत पवित्र, मेरा मतलब धोने धवाने से नहीं, इससे जो भी आप काम करें अत्यंत सुंदरता से, सुंदरता से और प्रेम से होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज प्रेम। ध्यान में गति करना यही आपका कार्य है और कुछ भी आपका कार्य नहीं, बाकी सब हो रहा है। और अगर आप में से कोई भी जब ये सोचने लगेगा कि मैं ये कार्य करता हूँ और वो कार्य करता है, तब आप जानते हैं कि मैं अपनी माया छोड़ती हूँ और बहुतों ने उस पर काफी चोट खाई, वो मैं करूँ। पहले भी मैंने आपसे बता दिया है कि कभी भी नहीं सोचना है कि मैं ये काम करता हूँ या वो काम करता हूँ।